हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एमपी बोर्ड कक्षा 9 या 10 के स्टूडेंट हैं तो बीटा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि गाइस, जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2016-17 में एमपी बोर्ड के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसे बेस्ट ऑफ 5 स्कीम नाम दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करना। कुछ स्टूडेंट्स गणित या इंग्लिश की वजह से जो अपना साल इसे ख़राब कर लेते थे, और उनको गणित या अंग्रेजी विषय में काफ़ी समस्या होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत आपको 6 अनिवार्य विषय में से केवल 5 विषय में पास करना होता था, और 5 विषय के प्राप्त अंकों के आधार पर आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। जिस विषय में आप फेल हो जाते थे या आपके कम अंक आते थे, उस विषय को छोड़ दिया जाता था। किंतु इस वर्ष 2023-24 में इस योजना में बदलाव किए गए हैं। इस योजना को क्लोज कर दिया गया है और यहाँ पर एक नई स्कीम लागू की गई है। इसके तहत सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं और 10वीं में सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की गई है। सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत आपकी जो एग्ज़ाम्स है, इसे बार बार लिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया जा सके। इस योजना में गाइस, आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, जिसके तहत आप देख पाओगे यहाँ पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को सामान्य गणित एवं उच्च गणित का विकल्प दिया गया है। यदि आप गणित विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हो या आपका गणित विषय अच्छा है, तो आप उच्च गणित ले सकते हो। यदि आपको गणित विषय में कोई समस्या आती है, तो यहाँ पर आप सामान्य गणित ले सकते हो। इसके बाद गई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, इसे हम सीसी के नाम से जानते हैं। सामान्य गणित एवं उच्च गणित का विकल्प की कार्यवाही सूचित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राज्य शासन द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक की गणना हेतु बेस्ट ऑफ 5 पद्धति को समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति है, इसे समाप्त कर दिया गया। इसके लिए ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।